लाइव टीवी एक्सप्रेस खबर पल पल की। आज उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के माननीय अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि का जनपद कानपुर आगमन हुआ। उन्होंने उर्सला पहुंचकर सफाई कर्मचारियों की जानकारी ली, जिसमें उन्होंने आउटसोर्सिंग ठेकेदारी कर्मियों के वेतन में भारी अनियमितता पाई तथा 5,64,000 का स्कैम सामने आया। माननीय अध्यक्ष महिला वार्ड का भी निरीक्षण करने गए, जहां पर बताया गया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन में तैनात महिला कर्मियों को 8 मास से वेतन नहीं मिला है तथा मेडिकल कॉलेज निरीक्षण के दौरान संतोषजनक कार्य पाया गया तथा सभी हेल्थ वर्करों सफाई कर्मचारियों को हेल्थ कार्ड बनवाए जाने के निर्देश दिए। उनके साथ में श्री रविशंकर हवेलकर सदस्य, राज्य सलाहकार समिति, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, उत्तर प्रदेश सरकार, राजू वाल्मीकि, अमरनाथ सुदर्शन, जितेंद्र कुमार, ब्रजेश माधो, राजेंद्र रघुवंशी, विशाल भारद्वाज, राम किशन, वीरू, सर्किट हाउस प्रवास के दौरान उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष ब्रजलाल भारती एवं महामंत्री अनूप चौधरी, ज्ञानवती भारती, शुभम वाल्मीकि, मनोज लौंग, वर्षा नासिर, अली गोपाल, रमेश राजेंद्र, राजकुमार बाबा आदि लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य का स्वागत किया। माननीय अध्यक्ष चुन्नीगंज सुदर्शन नगर की बस्ती के निरीक्षण के लिए गए। वहाँ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्नाव से वीरू कपूर चंद की रिपोर्ट।